हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो होती है उसके ऊपर हम, और इसमें हम बताऊंगा मैं सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप एपीडीएल करते हो ना, तो इसमें बीम के केस आता है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है, ये इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज का जो वीडियो हो गया, इसमें हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले आपको समझाऊंगा क्या होता है शेयर फोर्स, क्या होता है बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद जो हम बताने वाले हैं कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं, शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाते हैं, कौन से वाली बीम में क्या होगा, अगर फिक्स सपोर्ट होगा तो क्या होगा, सिंपली सपोर्ट होगा तो क्या होगा, कैंटिलीवर बीम होगा तो क्या होगा, लोड कौन सी लग रहा है, यूटीएल लग रहा है, क्यों हो गया, उसके हिसाब से हम सारा चीज़ इसमें बताने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो आज का जो जो होगा ना, हम इसमें मैं बताऊंगा सिंपली सपोर्टेड बीम पर। दोस्तों, ये जो है मेरा बेसिकली एक बीम है, ठीक है। इस बीम में यहाँ से आपका लोड लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, ये जो बीम है, ये मेरा कौन सा है, दोनों साइड मेरा फिक्स सपोर्ट है, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड है, ये दोनों सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ पे ये लोड लग रहा है, ठीक है। अब जो ये आपका बीम देख रहे हो, ये जो आपका बीम है, तो बीम कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ऐसा है ना। तो बीम आपका ऐसा है, बस बीम में यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर के एरिया में लग रहा है। तो बीम में अगर फोर्स लगेगा, यहाँ पे कमर नहीं है बनाने के लिए, मैं देखता हूँ, तो अंडो इसको रखते हैं, इसको ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अगर इसमें बीम लगता है, पहले हम बात करते हैं व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट और व्हाट इज शेयर फोर्स, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जो होती है वो होता क्या है, तो मैं यहाँ पे देखो, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग, मेरा आवाज थोड़ा सा दिक्कत है, मैं धीरे से बात करूंगा। हाँ, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो शेयर फोर्स क्या होता है पता है, जब आप बीम में आप लोड लगाते हो, तो जो फोर्स है जिसकी वजह से बीम में शेयर आता है, शेयर बोले तो ऐसे बीम में क्रैक्स आती है, जो फोर्स होता है ना, उस फोर्स को बोलते हैं, जो क्रैक्स होता है ना, इसको बोलते हैं हम शेयर फोर्स। और बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, जो मोमेंट जनरेट होती है बैंड में, जिस लोड की वजह से वो बैंड होता है, इसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। मतलब जैसे आपका ये बैंड है ना, तो इस तरीके से ये बैंड होगा, ठीक है, बीम जो होगा लोड पड़ने से इस तरीके से बेंड होगा, और जितना लोड है उस लोड की वजह से ये जो बीम होगा आपका इस तरीके से बनेगा। तो ये होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो ये बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स इंपॉर्टेंट होती है पहले स्टार्ट करने से पहले। अब मान लो मेरा बीम मैंने बना लिया, मैंने शेयर फोर्स आपको समझाया, बेंडिंग मोमेंट समझा दिया, ठीक है। अब मान लो ये चेंज हो जाएगा ना, ये डायग्राम पूरा चेंज हो जाएगा, उसको हम समझते हैं, जो मैथमेटिकल टर्म्स होता है ना, मैं समझते हैं उसको, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट होता है, इसकी साइन होता है, साइन क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट है, ये सब लिख लेना, ठीक है। मेरा ये लेट्स से मेरा ये बीम है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लोड लग रहा है, मेरा जो लोड लग रहा है कुछ ऐसे लग रहा है, मैं मोमेंट लग रहा है ऐसे, इस तरफ से, मेरा जो मोमेंट लग रहा है इस तरफ से लग रहा है ऐसे। देखो दोनों जो है ऊपर की साइड आता है ना, तो इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव, ठीक है। अगर अगर मेरा ये बीम है, यहाँ पे हम जो है लोड लगा रहे हैं निगेटिव, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, ये जो होगा ना, इसको हम बोलेंगे, ये जो पॉजिटिव में आ रहा है जो आपको वेंडिंग में, इसको बोलते हैं हम स्लॉगिंग, स्लॉगिंग सेगिंग बोलते हैं वैसे, आपको पता है ना, सेगिंग ऑफ बीम बोलते हैं, नाम सुना है ना, सेगिंग, तो ये वो सेगिंग है। और ये जो आपका है ना, इसको बोलते हैं हॉगिंग, सेगिंग और हॉगिंग, ये वर्ड तो आपने सुना होगा ना, बीटेक भी करा है, डिप्लोमा भी करा है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, इसको बोलते हैं सेगिंग, इसको बोलते हैं हॉगिंग।
अब बेंडिंग मूवी में सोगिंग और हैगिंग जो होता है, इसकी जो नाम भी याद रखना पड़ता है, इसकी जो आइकन है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा, सिंगिंग और होगिंग। ठीक है, किसको सिंगिंग बोलते हैं, किसको होगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, अब हम जो है आपको यहाँ से समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर। जो हम कोई बीम बनाते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी अगर मुझे आपको बोला जाए ये इंटरव्यू में कि ये आपका लोड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है या कैंटिलीवर बीम है, इस बीम की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ और आपकी शियर फोर्स डायग्राम बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? नहीं बना पाओगे। इसके लिए आपको मैं ये भी बता दूंगा, यहाँ पे जैसे मेरा ये बीम है, ठीक है, और इसमें ये मेरा ए है, ए, और ये मेरा हो गया बी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है। ठीक है, कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, पहले हम सिंपली सपोर्टेड बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको कैंटिलीवर बताऊंगा। इस बीम में अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊं, शियर मतलब SFD, शियर फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊंगा नीचे, तो ये कैसे बनेगा? देखो, बीम है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो ये लोड लग रहा है, पर मैं तो पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव में जाएगा, ये ऐसे पॉजिटिव में जाएगा, इधर से निगेटिव में आएंगे, ये आने के बाद ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव, क्लास में दूंगा इसको, और इसको जो दूंगा हम निगेटिव। ठीक है, तो हम निगेटिव देंगे, तो इसको बोलते हैं शियर फोर्स डायग्राम। क्या बोलते हैं? शियर फोर्स डायग्राम। आपको अगर सिंपली सपोर्टेड बीम का अगर शियर फोर्स डायग्राम बनाने देंगे ना, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। लोड देखना है कहाँ पे, जिस पॉइंट में लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव में होगा और ये निगेटिव में होगा। पॉजिटिव मतलब, तो जैसे यहाँ पे लोड लगेगा ना, तो ये क्या होगा, ये ऊपर पॉजिटिव में जाएगा ना, तो नीचे निगेटिव में आएगा, तो ये ऐसे डायग्राम बनाना पड़ता है। अगर मैं इसकी BMD बनाऊँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है, नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, अगर नीचे BMD बनाता हूँ, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कैसे बनेगा? तो ये मेरा बीम है, ठीक है, अब इस पर लोड लग रहा है, ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरीके से बनेगा, लोड और ये तरीके। तो ये मेरा हो गया BMD, क्या हो गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। समझ में आ गया MD और BMD में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कैसे बनाओगे और ये डायग्राम कैसे बनाओगे, समझ में आ गया ना? हेलो, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना आपको? KFD और SFD जो होते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप कैसे बनाओगे, इस केस में आपको समझने में इजी हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। जब भी डायग्राम बनाते हो, BMD SFD आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो SFD है कांस्टेंट है, और जो BMD है मेरा लीनियर है। मैं बात नहीं कर पा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है यार, थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएंगे और एक जो है निगेटिव में रहेगा। ठीक है, अब तो हम बात करते हैं SFD के ऊपर, और ये हो गया मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा हो गया ये? सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे आएंगे, इस साइड में लूंगा, जाएगा कैंटिलीवर, कैंटिलीवर लीवर, लीवर बीम। ठीक है, यहाँ पे बना, तो खाली जगह है, ये डायग्राम है, ऐसे बीम है, अभी फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ से लोड लग रहा है, कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम समझ में आ रहा है ना? जहाँ पे आप घर बनाते हो, जो वॉल से जो एक बीम निकल के आता है, देखिए वो घर से जो पानी पानी को गिरने के लिए रोकता है, अलग से जो बीम निकल के आता है, उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट होता है और वहाँ पे लोड पड़ता है, तरीके से बनता है ना। घर पे देखे हो ना, जैसे आपका स्लैब है,
स्लैब के साइड में क्या होता है, एक बीम निकल के आता है, ऊपर से स्लैब निकल के आता है, 3-4-5 फुट निकल लेते हैं बंदे लोग, तो उसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ठीक है, कैंटिलीवर बीम का कैसे बनता है, SFD और BMD। ठीक है, तो इसकी जो होता है थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, एक साइड लोगो लगेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और ये बनेगा पॉजिटिव, तो ये हो गया SFD डायग्राम। ठीक है, अब इसकी एंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ये कैसे बनेगा, ये नीचे में आएगा, नीचे में आएगा, और इसमें आएगा, ये जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव में बनेगा। तो ये कौन सी होगी, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो BMD होगा। ठीक है, BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम का आपने शियर फोर्स डायग्राम पढ़ा, बेंडिंग मोमेंट पढ़ा, और सिंपली सपोर्टेड बीम का भी शियर फोर्स पर आपने, बेंडिंग मोमेंट पढ़ा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने सिखा दिया मैंने आपको, इसकी बेंडिंग मोमेंट का सेगिंग क्या होता है, हॉगिंग क्या होता है वो समझाया मैंने आपको, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है आपको बताया, शियर फोर्स क्या होता है आपको ये बताया। ठीक है, अब हम यूनिट की बात करते हैं, जो शियर फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, ये होता है शियर फोर्स का यूनिट। ठीक है, अगर हम बेंडिंग मोमेंट की यूनिट की बात करें क्या होता है, न्यूटन MM। ठीक है, ये होता है आपका बेंडिंग मोमेंट का, तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अब हम एक केस करते हैं जिस केस के ऊपर आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना मैं एपीडीएल में सिखाऊंगा, तो ये आपका एपीडीएल का लास्ट वीडियो होंगे, इसके बाद मैं वर्क बेंच दूंगा। ठीक है, तो देखो ये सारा चीजें आपको आंखों में ना ड्रॉइंग बना के समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा, जैसे मैंने कैंटिलीवर का आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, तो यहाँ पे भी बस इस तरीके से होता है, आपको प्रैक्टिकली समझना है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है बताए, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर है ना, इसको मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ। हाँ, ये बीम है, आप पर बना रहे हो आप, ये आपका पिलर है, ये आपका पिलर है भाई, लोड तो इधर लगेगा ना, तो ये कौन सा हो गया, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये फिक्स सपोर्ट हो गया आपका, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया। क्लियर, थोड़ा इजी तरीके से समझा देता हूँ अपने भाषा में। अब हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम का, ये मेरा बीम है, ये मेरा पिलर है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, पिलर के बाद ना स्लैब निकल लेते हैं, ये जो है ऐसा स्लैब निकल के आ रहा है, बीम के ऊपर स्लैब होता है कि नहीं, ये स्लैब है, बीम के ऊपर स्लैब है। अब यहाँ पे लोग, ये मान लो ये 5 फुट का है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ऐसे साइड को निकल लेते हैं बाहर की तरफ, पिलर से, ये वॉल से। ठीक है, इसमें क्या लगाते हैं, बीम लगाते हैं, कोई जो है ऐसे बीम लगा देते हैं, ऐसे टेढ़ा करके बीम लगा देते हैं, है ना, कोई ऐसा टेढ़ा बीम देखे हो ना, कोई क्या करता है, कोई सीधा ये बीम को एक्सटेंड कर देते हैं, ये बीम को एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ये वाला बीम को एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब ये पूरा एक बीम हो गया, ये आप देख पा रहे हो ना, ये पूरा एक बीम हो गया, ये एक बीम है, बीम है। और ये बीम क्या है, यहाँ पे तो सिंपली सपोर्टेड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे तो सिंपली सपोर्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कैंटिलीवर लग रहा है, इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम, ये वाले को बोलेंगे कैंटिलीवर बीम, इसको बोलेंगे हम सिंपली सपोर्टेड बीम। तो यहाँ पे एक पिलर और है, इधर एक पिलर और है, तो यहाँ बीच में लोड लगेगा, लेकिन यहाँ पे लोड जो लगेगा वो कैंटिलीवर लगेगा, तो इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग होगा और कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अलग होगा। इसको आपको एपीडियल में करना है, आप एपीडियल कल में कर रहे होंगे, तो उसमें हमको वैल्यू देना पड़ेगा, और हम इसमें मीटर में करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको फीट में समझा दिया, तो फीट में मीटर को कन्वर्ट करना पड़ सकता है, कैसे कन्वर्ट करेंगे बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो हम इसको हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बात ही नहीं कर पा रहा यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। तो प्ले ये बी में, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बी में, यहाँ पे पिलर है, ठीक है, अभी लग रहा है लोड,
यहाँ पे लोड नहीं है, सिंपली फिक्स अवर्ड है ठीक है ना, अल्टीमेट कर देना। और यहाँ पे तो बोलते हैं ए, तो बोलते हैं बी, तो बोलते हैं ए बी सी दे दिया ठीक है। इसमें लोड लग रहा है मेरा ना, तो 3000 KG, तो 3000 KG का लोड लग रहा है ठीक है ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या करना है, साइज देना है ठीक है। यहाँ पे यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसके डिस्टेंस ठीक है कितना है, लेट्स से मैं 5 मीटर ले लेता हूँ, 5 m 5 मीटर है ठीक है। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देना है, इनके बीच में मैं ले लेता हूँ 2.5, बीच में लगता है ठीक है ना, सेंटर पे लगता है हमेशा, मतलब ये एक बी अलग बी में 0.5 मीटर ठीक है। अब यहाँ से ये जो डायग्राम है 2.5, यहाँ से डायग्राम है 2.5, यहाँ से ये है, तो डायग्राम को याद कर लो, फोटो लेना है तो फोटो ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। तो 3000 KG का लोड लग रहा है, 5 मीटर का स्पान है, 2.5 mm का फार साइड है ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी हम आज एपिटेल करने वाले, तो आपको फोटो लेना है तो फोटो ले लो, क्योंकि तो मैं फिर अलग से बनाऊंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आपको फोटो ले लो, मैं इसको इस हिसाब से बनाऊंगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो मैं यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम तो पता लग ही गया, थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रहा है, बीच बीच में वीडियो कॉल करना पड़ रहा है, कैसे कैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोशिश करना कि हर एक चीज़ आप खुद से कर लो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंस में जाएंगे, स्ट्रक्चरल में करना है ठीक है, और एच मटेरियल रहेगा वो कर लेते हैं, फिर प्रोसेसर एलिमेंट टाइप एड एलिमेंट बी में दो नोड में ठीक है। ओके, क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद जाएंगे हम मेटल प्रॉपर्टीज, उसके बाद जाएंगे मेटल मॉडल, लीनियर इलास्टिक आइसोट्रॉपिक, ये एक आपको दे रखा होगा 200 E3 ठीक है। और आपका जो ये होगा मेजरमेंट हमेशा 0.3 के आसपास ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जो है अपने को बीम में जाना है, बीम जो होगा उसमें आपको जाना है, बीम में हम जाएंगे तो बीम की सेक्शनिंग देना पड़ेगा, तो जो बीम होगा उसकी सेक्शनिंग में जाएंगे। सेक्शनिंग जाने के बाद यहाँ पे हम बीम में जाएंगे, बीम में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना है कस्टम टेपर्ड, टेपर्ड है नहीं तो टेपर्ड सेक्शन में टेपर्ड सेक्शन दे सकते हो ठीक है, तो नेक्स्ट नहीं है, मैं यहाँ पे कॉमन सेक्शन में जाऊँगा। आप ये बताओ मेरा जो बीम है ना, वो बीम की कैसे कौन सा टाइप ले रहा हूँ मैं, कौन सा टाइप है, ये होगा शार्प टाइप का है, आईडी नंबर 1 है, अलग अलग सेक्शन होगा तो सेक्शन चेंज करना पड़ेगा आपको ठीक है। एच और बी, जो एच होगा ना हम उसको कितना रखेंगे, हाइट कितना रखेंगे और ब्रेथ कितना रखेंगे। लेट्स से मैं अगर हाइट रखता हूँ यहाँ पे, ब्रेथ देखो बी हमेशा कम होता है, हाइट ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे लोड होता है ना देखो, तो ये वाला एरिया ज़्यादा होता है ना तो डिफ्लेक्शन कम होता है, हमेशा ये एरिया कम होता है। जैसे मैंने घर बनाया था ना, जब मैंने बीम दिया था, इसका मैं दिया था 10 इंच का, बट इसको रखा था मैं 18 इंच का, इसमें जो सरिया यूज़ करा था ना मैं, जो रॉड यूज़ करा है मैं, और रॉड मैंने इसका यहाँ पे 20 mm का, 20 20 20, यहाँ पे 16, और 20 पे 2 एक्स्ट्रा यूज़ करा था, क्यों, क्योंकि बीम सही से बने। मतलब मैं अगर ड्रॉइंग मोड से समझाऊँ ना, जैसे मेरा, मैं इसको ऐसे समझा रहा था, ये बीम है ठीक है, ये बीम है, ये आप बीम चलो, इजी हो जाएगा समझने में आपको भी ठीक है, ये बीम है, ये बीम है ठीक है। अब इस बीम में मैं रॉड यूज करूंगा भाई, अब तो रॉड को मैं येलो कर देता हूँ, तो ये रॉड यूज कर रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो रॉड यूज कर रहा हूँ ना, इसको 20 mm का यूज कर रखा हूँ ठीक है, यहाँ पे भी ये 20 mm का रॉड यूज कर रखा हूँ, यहाँ पे कोने कोने में,
400 आपका 20 करोड़ हो गया। अब मुझे 16 करोड़ लगाना है, 16 करोड़ में कौन सा लगाए, यहाँ पे एक 16 करोड़ लगाए, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो है, नीचे लगाना जरूरी है, यहाँ पे बेंडिंग ही रुकेगा। नीचे आपको लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा, नीचे आपको यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए। तो ये जो हो गया यहाँ पे, ये जो लैंड होता है ना, ये वाला जो लैंड होता है, ये वाला जो लैंड होता है, ये ज़्यादा होना चाहिए इससे। अगर ये 10 इंच है तो ये ज़्यादा होना चाहिए आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जो मैं एक्स्ट्रा बेंडिंग मोमेंट को रोकने के लिए बता रहा हूँ, वो है क्या उसी, समझो बता रहा हूँ अभी। जैसे ये मेरा बीम है, ये मैं चार्ज जो है 20 पर रखा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये मेरा 20 करोड़ है। मैंने आपको क्या बताया, 16 करोड़ लूंगा मैं, फिर 20 में एक्स्ट्रा मेंडिंग 16 करोड़ लगा लिया, ठीक है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए मैं क्या करूँगा, 16 करोड़ लिया, अब ये अलग अलग ग्रीन येल्लो, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा 16 का लगा दिया मैंने यहाँ पर, और 20 में 1 16 लगा दिया एक्स्ट्रा, मतलब समझ में आ रहा है मेरी बात को। मतलब आपका जो रॉड है, अगर मैं फ्रंट टॉप साइड व्यू से दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ये रॉड है 20 का, बड़ा कर दिया मैंने, बड़ा नहीं छोटा करना है, हाँ, ये रॉड है एक, तो ये आपका एक रॉड है 20-20 का, 4 रॉड हो गया, 20 में बनेगा, 20 में मैंने 16 का लगाया, 16 का कलर चेंज कर देता हूँ, ये समझ में आ जाएगा ना, कहानी समझ में आ जाएगा आपको, 16 का रॉड लगाया, ठीक है। अब यहाँ 16 का रॉड लगा, ये कोने में रहेगा, ये कोने में है, कोने में लगाया 16 का। अब 20 में एक और 16 का रॉड है, ये भी एक 16 का रॉड है, ऊपर 5 लोड हो गया, और नीचे जो ये 20 में है, मतलब दोनों पिलर की, ये एक पिलर है, मान लो एक पिलर इधर है, एक पिलर उधर है, दोनों के बीच में 2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने 16 का 2 एक्स्ट्रा लगा दिया। अब ये क्या होगा, ये जो लोड पड़ेगा ना, इधर लोड पड़ेगा, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रॉड है, यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 रॉड था ऑलरेडी, 1 2 3 रॉड एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा रॉड है, इसकी वजह से ये यहाँ पे प्रेशर नहीं, प्रेशर पड़ेगा ना, इसको बैंड होने नहीं देगा, ये प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे बैंड होने, क्योंकि बीच में 2 एक्स्ट्रा है, इधर 2 एक्स्ट्रा है, ये 2 एक्स्ट्रा है ना, ये दोनों एक्स्ट्रा क्या होगा, इसको ऐसे झुकने नहीं देगा, मतलब सॉरी ये ऐसे झुकने नहीं देगा, मतलब बेंडिंग मोमेंट को रुकेगा ये, इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लोड लगाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब देखो, अगर इसका लेंथ इसका इक्वल होगा ना, तो ये आराम से बैंड हो सकता है, इसीलिए बीम में क्या करता है, ये वाला लेंथ ज़्यादा देता है, इससे ये कम देता है, समझ में आ गया ना। देखना जब बीम बनाते हो ना घर का, बीम तुम देख लेना, ये मैंने बनाया था अपने घर के लिए, तो मुझे बताए, तो ब्रेड होगा यहाँ पे मैं 50 का दूंगा ना, तो ये मैं दूंगा 70 का, ठीक है। बीम की जो क्रॉस सेक्शन है वो बना दिया मैंने, ओके कर दिया। तो सेक्शन मैंने आपको बीम का समझा दिया, ऐसे सेक्शन देना है बीम में। अब अपने को क्या है, मॉडलिंग करना है, मॉडलिंग क्रिएट की पॉइंट के बाद क्या करना है, इन एक्टिव सीएस, वो सबसे पहला वाला था, इनएक्टिव सीएस, ठीक है, मैंने इनएक्टिव सीएस का वर्किंग प्लेन ले लिया। अब यहाँ पे की नंबर 1 है, 1 पे हम क्या रखेंगे, 0.0 आ गया, इधर में 1 पॉइंट। अब ये की पॉइंट 2 है, कितना का था, ये आर एस ओ का था ना, तो इसको हम एम एम में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 × 0 ये आ गया। थर्ड है, थर्ड जो है कितना, 5000 डिस्टेंस में था, इसको हम 5000 कर लेते हैं सप्लाई, ठीक है, आ गया इसमें आ गया 3 पॉइंट आ गया। अब हम बीम को क्या देना है, सेक्शन देना है, इन लाइन करेंगे हम इसको, पहले तो इन लाइन करना पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है, ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो हम क्या करेंगे, देखो ये कॉन्सेप्ट फाइनल, तो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक क्या होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, लाइन बना दिया, अब इस लाइन को हम कनेक्ट करेंगे। अब लाइन के बाद अपने आएंगे स्ट्रेट लाइन,
लाइन स्ट्रेट लाइन लेंगे ठीक है, वन टू कनेक्ट अप्लाई स्ट्रेट लाइन, वन टू थ्री कनेक्ट अप्लाई, हो गया ना। अब लाइन को कनेक्ट तो कर लिया, अब लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, मैश करना पड़ेगा। मैशिंग इम्पोर्टेंट है हाँ, मैशिंग में थोड़ा ध्यान रखना जब भी मैशिंग करते हो, क्योंकि मैशिंग इम्पोर्टेंट है। मैश मैश टूल में जाऊंगा मैं, ठीक है, यहाँ पे लाइन सेट करूंगा, पिक ऑल करूंगा, पिक ऑल मतलब सब लाइन यहाँ पे पिक हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ठीक है, कितना एलिमेंट में डिवाइड मैशिंग करना है, मैं इसको 20 कर देता हूँ ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करना है, मैं यहाँ पे 20 का कर देता हूँ ठीक है। करने के बाद यहाँ पे ओके कर दूंगा, देखो ये 20 पॉइंट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 देख लो ये 20 में डिवाइड कर दिया आपको, है ना। उसके बाद जो है ये मैच खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे मैच छुपा हुआ है, ये देखो ये मैच छुपा हुआ है ना। अब उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे मैच में जाऊँगा, ये सिलेक्ट करूँगा दोनों को, सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दूँगा, ओके कर दूँगा, ये मैच आपका हो गया। तो क्लोज कर देता हूँ, इसको अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे प्लॉट में जाके प्लॉट कंट्रोल, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक सेल में लिखा देता हूँ प्लॉट मल्टी प्लॉट, प्लॉट नंबरिंग की पॉइंट वन ठीक है, आ गया। तो आपका क्या हो गया, बीम में मैशिंग हो गया, बीम का मैशिंग कैसे करना है समझ में आ गया ठीक है। इस तरीके से आपको बीम का मैशिंग करना है। अब मैशिंग करने के बाद हमको क्या करना है, सॉल्यूशन एनालिसिस टाइप न्यू एनालिसिस स्टैटिक एनालिसिस के ठीक है। अब लोड देना है भाई, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। तो थोड़ा दोस्तों बीच बीच में मुझे रुकना पड़ रहा है, गला बैठ जा रहा है मेरा, है ना, थोड़ा दिक्कत है। अब देखो अभी क्या करना है, अब जो है हमें लोड लगाना है ठीक है। लोड आएगा अलग इसमें, और आपको इसमें बताता हूँ मैं कैसे करना है। डिफाइन लोड में जाना है, अप्लाई में जाना है, स्ट्रक्चरल में जाना है। एक तो डिस्प्लेसमेंट लगेगा, एक फोर्स होता है। डिस्प्लेसमेंट वो होता है, कहीं पे फिक्स सपोर्ट है, कहीं पे हिंज सपोर्ट है, मान लो कहीं पे रोलर सपोर्ट है, वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कहाँ पे, जहाँ पे प्रेशर लगता है वहाँ होता है फोर्स ठीक है। फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस होता है ठीक है। यहाँ पे अपना फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे मोमेंट है, बीम है ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो फोर्स प्लस मोमेंट, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट लगेगा क्योंकि बीम है ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में जाते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे ऑन की पॉइंट। तो देखो जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है ना, तो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, मैं आपको ड्राइंग बता रहा हूँ। ये जो लाइन है ठीक है, यहाँ पे तो ये पहला वाला होता है, इसमें कौन सा सपोर्ट लगाएंगे, और ये सेकंड वाला होता है, दोनों में सेम नहीं होता है। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, जो पहला वाला होता है इसमें हम हिंज सपोर्ट लगाएंगे, और जो सेकंड वाला होगा उसमें हम रोलर सपोर्ट लगाएंगे ठीक है। तो सबसे पहला जो होगा यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हिंज, हिंज सपोर्ट ठीक है। स्पेलिंग गलत कर दिया मैंने, एच आई जी एच नहीं चाहिए, एच आई एन जी ई चाहिए, है ना ठीक है। तो यहाँ पे हिंज चाहिए अपने को, हिंज सपोर्ट चाहिए, और यहाँ पे अपने को रोलर सपोर्ट चाहिए। अब हिन सपोर्ट और रोलर सपोर्ट होता क्या है, मतलब है क्या, जो मेरा यहाँ पे हो गया हम हिन सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट होगा ना। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मिस मत करना, बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। जो हिंज होता है इसमें हम क्या लेंगे, यू देखो ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है ठीक है, ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें नहीं लेना है। आपको क्या करना है, यू एक्स UY कॉमा UZ रोटेशन अबाउट ROT अबाउट X ROT अबाउट Y ठीक है। देखो RO अबाउट मतलब U में लॉक है, फिक्स रहेगा, हिंज है, हिंज में क्या होता है एक की तरह घूमते हैं, तो यहाँ पे किस में तरह घूमेगा, X Y है, तो ये Z है, तो Z के अबाउट घूमेगा ये, तो जेट को हमको फ्री रखना होगा क्योंकि हिंज सपोर्ट है, बाकी सारा लॉक रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
देखो कार में घूम सकता है, हिंज कैसे होता है, ऐसे घूमता है ना, ऐसे होता है ना दरवाजे में जो हिंज लगता है, हिंज से वो टेप होता है जो ऐसे घूमता है ना, कि नहीं यहाँ पे जेड घुमाना सही है, बाकी सारा चीजें लॉक रहेगा। और दूसरे में क्या होगा, रोलर सपोर्ट में, रोलर सपोर्ट में क्या होगा, आपकी रोल होता है, कौन सा रोल होगा यहाँ पे, जेड रोल होगा या एक्स रोल होगा, यहाँ पे एक्स होगा, ये अच्छा एक्स एक्स की तरफ रोल होगा है ना। तो अपने को क्या करना है, क्यू एक्स जो है ना इसको सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब ये फ्री रहेगा, बाकी सारा चीजें होगा, मतलब यू वाई यू जेड ठीक है, रोट एक्स रोट वाई रोट जेड ये सिलेक्ट करना होगा आपको। ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट में, तो समझ में आ गया कि हिंज सपोर्ट में कौन सा यूज करना है और रोलर सपोर्ट में कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट वन को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये मेरा कौन सा सपोर्ट है, जो पहला वाला होता है, मतलब जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका हिंज सपोर्ट होता है। हिंज सपोर्ट में क्या करना है, उसको तो सिलेक्ट नहीं करना है, ऑल डिग्री फिजन तो सिलेक्ट होगा नहीं, मतलब पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सिर्फ सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पे रोलर सपोर्ट आ गया। अब उसके बाद 3 नंबर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो अब इसमें क्या करना है, एक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, अब सबको सिलेक्ट करना है, अप्लाई। देखो यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे भी सिलेक्ट हो गया, क्लियर। जो प्लेसमेंट लगाना है, जहाँ पे मोमेंट लगाना है, क्लियर ना, लेफ्ट साइड में मतलब जहाँ पे भरना है वहाँ पे आपको हिंज सपोर्ट होगा, राइट साइड में आपका रोलर सपोर्ट होगा। रोलर में मैंने एक्स को क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है। देखो यहाँ पे एक्स एक्स में आगे पीछे हो सकता है ना, डिंग में जो शेयर जगह होता है एक्स में आगे पीछे हो सकता है, और यह हिंस है, हिंस मतलब जेड में घूम सकता, जेड में घूमेगा, बाकी सब लॉक है। ठीक है, तो बाकी सब लॉक कर दिया मैंने, जेड को घुमाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब मेरे को फोर्स लगाना है ऑन की पॉइंट, बात नहीं कर पा रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है यार। वाई में, वाई मतलब नीचे के डायरेक्शन में, माइनस में जाना पड़ेगा। कितना था, 3000 kg। अब मैं यहाँ पे 3000 kg नहीं डाल सकता दोस्त, क्योंकि kg को अगर मैं न्यूटन में डालना पड़ेगा, यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स मांग रहा है, तो यहाँ पे न्यूटन है मेरे पास, तो kg है, तो kg को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम क्या करेंगे, 3000 × 9.81 ग्रेविटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, अराउंड 29000 डाल दो यहाँ पे, 9000 ऐसे ही था ना कुछ, तो 30। ठीक है, अप्लाई को समझ में आ गया, क्योंकि लोड जो है न्यूटन में देना है, अगर केजी में होगा ना, तो केजी को आपको क्या करना पड़ेगा, केजी को न्यूटन में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी ये होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तभी बनाओगे इसको, आपको ध्यान रखना है। केजी में होगा तो हम इसको न्यूटन में ले जाएंगे, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड लगा दिया मैंने, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व, ओके, ठीक है, सॉल्यूशन इज डन, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जनरल प्रोस्पेक्ट में जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल प्रोस्पेक्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्लॉट रिजल्ट डिफॉर्म शेप डिफॉर्म ओनली, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको डायग्राम समझाया था, डायग्राम के अकॉर्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यहाँ पे डिफॉर्म एंड अंडर डिफॉर्म, ठीक है, डिफॉर्म एंड अनडिफॉर्म। ठीक है, ये देखो आपका कैसे लोड बन रहा है, यूडीएल में कैसे फोर्स बन रहा है, तो सारा तरीके से यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या है, रोलर सपोर्ट है, तो इसलिए देखो थोड़ा सा ऐसा है, इन सपोर्ट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली इसका अलग आएगा। ठीक है, तो कहाँ रोलर सपोर्ट, कहाँ हिंज सपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए, तभी भी एनिमेशन करते हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे लिस्ट रिजल्ट में जाएंगा, लिस्ट रिजल्ट के बाद जाऊंगा मैं यहाँ पे रिएक्शन सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा आवाज़ बैठ, ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, आवाज़ बैठ जा रहा है, बीच बीच में वो कर रहा हूँ, तो रिएक्शन सॉल्यूशन में जाऊँगा, यहाँ पे ऑल आइट, ठीक है, ऑल आइटम अप्लाई कर दो। तो देखोगे ये वैल्यू आपको चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेना,
और इसके नीचे इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये आपको क्या होना है, जो आपकी रिएक्शन सॉल्यूशन होता है ना, तो कितना डिस्प्लेसमेंट एफ में आ रही है, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, जेड में कितना है, क्या देख रहे हो मोमेंट एक्स में कितना आ रहा है, मोमेंट वाई में कितना आ रहा है, आपको शियर स्ट्रेस कहाँ पे कितना आ रहा है, एफ में वाई में मोमेंट कितना कहाँ पे है, तो यहाँ पे सब वैल्यू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग जाएगा, पोजिशन टेबल वन टाइम कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको इस वैल्यू में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, समझ जाएंगे हम। ठीक है, मैं जाऊँगा एलिमेंट डिफाइन, यहाँ पे मैं ऐड करके इसको सही है, स्पेस सही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम सही है, यहाँ पे मैं निकल सकता हूँ। इसमें एक चीज़ और करना हो सकता है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऐड करने से पहले, जैसे यहाँ पे मुझे वैल्यू मिला था एम वाई एस एफ, इसके लिए होता क्या है इसको समझते हैं हम। इसको समझने के लिए आपको एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं हेल्प में जाऊँगा, यानी कि बार यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें मिल जाएगा, लेकिन मुझे तो यहाँ पे पता नहीं है कौन सी है क्या नहीं है। तो मैं जो बीम यूज़ करा था, मैं यहाँ पे सर्च करके जो मेरा बीम है 188 बीम लिया था ना, उसको मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने में मेरा जो बीम 188 है, इसमें हीट क्या है, एपीडीएल क्या है, एलिमेंट टाइप क्या है, यहाँ पे एक एक चीज़ें आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ें सब मिल जाएंगे आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डिफाइन टेबल में इसमें आ गया, मान लो मेरा ये बीम है, मैं डबल क्लिक कर दिया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाते हैं बीम एलिमेंट डिस्क्रिप्शन में, क्या है इसमें, इसको पढ़ लेना एक बार जरूर, ये बहुत काम का है आपका। ठीक है, ए जी क्या है, स्टार मॉडुलस ए क्या है, का नाम क्या क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी बीम है, सेक्शन इंग्रेजी रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसे कैसे होना चाहिए बीम में, यहाँ पे हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगे, फेस क्या है सब मिल जाएंगे। अगर इसको देख लेना जरूर, ये आपको बहुत काम आएगा, इसको पढ़ लेना। तो 198 सेक्शन क्या होती है, कहाँ पे क्या मिलेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एसएफ मिला था ना, सेक्शन शेयर फोर्स है, एम 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 का भी कुछ मिला था, एम कहाँ है, ये लो पेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे सब मिल जाएंगे आप। तो इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो हर एक चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ, तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो हमने बीम बनाया था, इस बीम का हमको एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे एलिमेंट ऐड करूँगा, तो मैं ऐड में जाऊँगा, ऐड में जाके क्या चाहिए मुझे, केयर चाहिए, यहाँ पे मैं केयर करूँगा। ठीक है, एस एच ई ए केयर। ठीक है, तो केयर एक कर देता हूँ मैं। ठीक है, केयर एक करने के बाद मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आपको बताया था, सबसे लास्ट में आता है बाई सिक्वेंस के, बाई सिक्वेंस नंबर चाहिए, और यहाँ पे मुझे सेमिक चाहिए। तो सेमिक का मुझे कहाँ पे मिलेंगे, ये जो सेमिक मैंने लिया था वहाँ से मिला, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। ठीक है, तो यहाँ पे सेमिक करेंगे, और यहाँ पे सेमिक के बाद जब आपने कुछ लिखना है तो लिखेंगे हम सिक्स। ये सिक्स कहाँ से मिला, उस टेबल से मिला मुझे। ठीक है, ये जो मैंने टेबल लिया है उस टेबल से मुझे मिला है। ठीक है, तो सेमिक के बाद सिक्स मैंने कहाँ पे मिला, वो मैं टेबल आपको बताता था ना अभी खोला, तो वहाँ पे देखना ना, सेमुल जो है सिक्स मैंने कहाँ से लिया, वहाँ पे देखना आपको वहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर, अब उसके बाद जो है मुझे क्या देखना है, अब सेकंड निकल लिया मैंने, अब मैंने उसके बाद ये करना है, स्ट्रेस निकालना है, एसएफ निकालना है। तो एसएफ में क्या करूँगा, एस थोड़ी ऊपर लिख दिया, आवाज़ थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी वाई सिक्वेंस नंबर आएगा, वाई सिक्वेंस नंबर आ गया, यहाँ से भी जो नंबर होगा ना, देखो इसका नंबर हम जो है अराउंड 19 के आसपास आते हैं, मुझे याद है, मैं लिख रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस इसके बाद बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे, बेंडिंग मोमेंट में हम जो है इसको सीक्वेंस नंबर देंगे, और यहाँ पे जो है एस एम थ्री डाल, थ्री होता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट में थ्री होता है, तो इसको हम अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हम बी एम वन लिखते हैं यहाँ पे, बी एम वन बाय सीक्वेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे हम जो इसको कितना कर देंगे, तो हम कितना कर देते हैं, एंडिंग में मैं याद करना पड़ेगा, मैंने 15 या 16 के आसपास कुछ था, तो जो है हम 16 होगा, तो 16 करके इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है, चार बन गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इधर से क्लोज करने की बात, यहाँ पे हम आते हैं, आने की बात, यहाँ पे जाऊँगा मैं कंट्रोल प्लॉट में, प्लॉट में मुझे जाना है, प्लॉट कंट्रोल, उसके बाद ये था डिफॉर्म शेप में तो मैंने कर लिया, प्लॉट कंट्रोल के बाद हम जाएंगे
सबसे जो है नीचे में है ये वाला कॉन्टूर प्लॉट, कॉन्टूर प्लॉट लाइन एलिमेंट, ठीक है कॉन्टूर प्लॉट हम लाइन एलिमेंट में जाके इसका चाहिए जो भी चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो। मान लो मुझे सीआर पोस्ट निकालना है, तो मैं सीआर पोस्ट निकालना है तो मैं एलिमेंट टेबल में जाऊँगा, सीआर पोस्ट निकालूंगा, डिफॉर्म शेप अनडिफॉर्म शेप जो भी चाहिए यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दो। देखो बन गया आपका सीआर पोस्ट का, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपने को, एयरफोर्स मेरा यहाँ से निकल गया तो कहीं आपके पास कल एयरफोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कोई भी चीज़ आए ना तो आप आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ये देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया, ठीक है यहाँ पे आपका क्या बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब मान लो मैं इसको चेंज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वन अप्लाई कर देता तो ये मेरा बी एम वन बन गया। अब आप बोलोगे सर ये आपको कहाँ से मिल गया, मतलब मैंने कैसे ले लिया, है ना, मतलब मैंने लिया कैसे एलिमेंट टेबल में जाके, तो मैं यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। एलिमेंट टेबल में डिफाइन टेबल में जाके हेल्प में चले जाना, हिस्ट्री में जाना, बीम का नंबर से डाल के सर्च कर लेना, बीम नंबर पे क्लिक कर देना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक टेबल होगा बना हुआ, ये देखो कितना नंबर किस में है। तो मैंने बी एम डाला था, बी एम में 27 था, 29 था, ठीक है बी एम वन देखो एस एफ था, एस एफ 5 से 16 18, ठीक है एम जेड था, तो यहाँ पे 16 डाला था मैंने, तो यहाँ से आपको डाल वैल्यू मिल जाएगा, आई में कितना सही है, जे में कितना सही है, ठीक है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा जेड, तो यहाँ से राखी सीधा इसको वैल्यू को डाल सकते हो, ठीक है तो यहाँ से वो चीज़ें आप ले सकते, ठीक है समझ में आ गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एंडिंग मोमेंट, कभी भी ये सब चीज़ें बनाओगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लॉट कंट्रोल ठीक है, प्लॉट रिजल्ट सॉल्यूशन ठीक है, समझ में आ गया ना, इतना ही था वीडियो में, बहुत इम्पोर्टेंट था, प्लीज देख लेना, स्क्रीनशॉट भी ले लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए जो चीज़ बता रहा हूँ बात भी कम कर पा रहा हूँ मैं, इसीलिए आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो आपको ये समझना है सेंडिंग मोमेंट क्या होता है, वाई कितना डालना है, ये कितना डालना है आपको, जैसे मैंने एस एफ लिया था, एस एफ में मैं कितना लेना है आपको, 19 लेना है, 16 लेना है, 6 लेना है, आई में कितना बोट करोगे, जे में कितना बोट करोगे, ये इम्पोर्टेंट होता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। नहीं लगते हैं कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हो आप, मैंने आपने कितना वैल्यू कैसे लिया, तो ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको वैल्यू वगैरह बोट करना होगा, कहाँ से क्या मिलता है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ आपके यहाँ पे, डायग्राम को बना लेना एक बार खुद से और कोशिश करना एक बार खुद से कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंडिंग मोमेंट हर एक जगह में क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में, भी जाओगे वेंडिंग मोमेंट सेलफोन डायग्राम बनाना देगा सिंपली, ठीक देगा ही, अगर वेंडिंग मोमेंट वहाँ पे काम होता है और शेयर पूछ वेंडिंग मोमेंट एस एफ डी और बी एम डी ये दोनों बनाना देगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने प्रोसेसर लिया, स्ट्रक्चर लिया है ना, उसके बाद हम प्रोसेसर जाके एलिमेंट टाइप डाला, फिर मटेरियल मॉडल डाला, फिर हमने क्या करा मॉडलिंग करा, बीम का सेक्शनिंग डाला, फिर हमने मॉडलिंग करा, उसके बाद हमने लोड डाले हैं है ना, उसके बाद हमने जाए मेशिंग करा, मेशिंग के बाद हमने क्या करा सॉल्यूशन में जाके हमने इसको सॉल्यूशन कराया, लोड डाला है हमने, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसमें एक एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, एक एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है कौन सा प्लस में रहेगा कौन से माइनस में जाएगा, ये एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया आप बी एम डी बनाओ एस एफ डी बनाओ बोलोगे, तो ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए, उसी डायग्राम से आप बनाते हैं ना, और बी एम डी डायग्राम ये बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। लोड के हिसाब से अलग होगा, बीम के सेक्शन के हिसाब से अलग होगा, बीम का लोड देखना है कितना है, बीम का सेक्शन कैसा है, कौन सा बीम दे रखा है, आई बीम दे रखा है तो अलग होगा, अगर आप आई बीम दे रखा है देखो मैं बता देता हूँ, आई बीम दे रखा है यहाँ चेंज करोगे जो भी चाहिए जैसा भी बीम चाहिए या,
भी बीम दे रखा है यहाँ पे देखना है सेक्शन कैसा है, बीम सेक्शन डिटेल दे रखा है तो सेक्शन डिटेलिंग आप पुट करोगे आप, ठीक है ये ध्यान रखना है। कभी कभी आप ये लेके कड़पड़ा कर दोगे लेकिन उसमें तो दे रखा है आई बीम दे रखा है, तो आपने तो रेक्टेंगुलर बीम ले रखा है तो ये बीम देख लेना, हाइट वेट के दे रखा है उसको भी देख लेना, ठीक है उसके बाद ही बनाना, ड्रॉइंग को पढ़ लेना ठीक है। हॉगिंग दे रखा है कि सेकिंग दे रखा है, मोमेंट क्या दे रखा है, तो पूरा इसको क्वेश्चन पढ़ लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है आज का इतना रखता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको पूरा कर लेना इम्पोर्टेंट क्लास है। अभी जो है नेक्स्ट जो है वर्क में स्टार्ट करूंगा मैं, ठीक है तो तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।